जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि UPRVUNL जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी jobsgyan.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में अपडेट करके रखा है कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। बेसिकली ये भर्ती काफी पहले अनाउंस की गई थी बट लॉकडाउन की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, बट अब जाकर के इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया है और आप लोग इस फॉर्म को 3 जून 2021 से लेकर के 2 जुलाई 2021 तक भर पाएंगे। जो आपकी जेई ट्रेनिंग की पोस्ट है वो इनडिसिप्लिन में निकाली है और टोटल आपके 196 में पद है। यहां पर आपको कंप्लीट जानकारी चेक करने के बाद नीचे आना है और नीचे आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, आपको यहां पर नीचे आना है और नीचे आकर के आई एग्री के सामने राइट टिक करना है और टिक करने के बाद आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने जो प्रोसेसिंग है वो होगी और आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और इसके बाद आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिनके अंदर इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिलअप किया जा सकेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पोस्ट अप्लाइड, आपको कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई करना है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना नेम यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, उस नंबर को दोबारा डाल करके कन्फर्म कर दीजिए, फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और इस ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन जानकारी को चेक कर लीजिए क्योंकि बाद में इनको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और चेक करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन नंबर की जानकारी मिल जाएगी, आपको उसको यहाँ से नोट कर लेना है और सेम जानकारी आपको ईमेल एंड मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी है जहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एंड एक पासवर्ड सेंड किया गया है। आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां पर राइट साइड में क्लिक करना है और लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद यहां पर आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब जो आपको यहां पर एप्लीकेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों जो पासवर्ड आपको यहां पर मिला है वो पासवर्ड यहां पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और आपको यहां पर देखने को मिलेगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, राइट साइड में आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं तो आपके ब्राउजर में यहां पर आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देखने को न मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर में पफिन ब्राउजर डाउनलोड करना है, PUFFIN यानी कि पफिन ब्राउजर आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये वेबसाइट आपको वहां पर ओपन कर लेनी है। हमारी वेबसाइट जॉब्स ज्ञान के ऊपर आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक आपको पफिन ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में, जैसे कि आप मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं मोबाइल को तिरछा करके या फिर मूवी देखते हैं, तो ऐसे आपको मोबाइल को चलाना है और फिर आपको राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके उस वेबसाइट को जो कि आपकी यही वेबसाइट होगी अप्लाई ऑनलाइन की, इसको आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। तब जाकर के आपके सामने गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ जाएगा और आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने सेम तरीके से प्रोसेसिंग होगी। अब यहां पर दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद आपको कुछ जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि यहाँ पर आते हैं सेंटर चॉइस फर्स्ट, यानी कि आप कौन सी जगह को सेंटर के लिए चॉइस देना चाहते हो। आपको यहाँ पर कोई 3 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, तो चलिए हम यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, बट यस करने पर आप यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। जेंडर यहाँ से आप अपना चूज कर लीजिए और एप्लीकेशन फीस आप यहां पर कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके बाद दोस्तों हैव यू कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, क्या आपने अप्रेंटिसशिप की है, अगर हां तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है।
चलिए हम यहाँ पर यस करते हैं। यस करने पर आपको पूछा गया कि अप्रेंटिसशिप डेट ज्वाइनिंग, यानी कि कब आपने जो आपकी अप्रेंटिसशिप है वो ज्वाइन की थी, वो डेट आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है, और कब आपने अपनी ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। पहले आपको यहाँ पर इस तरह से आपका जो भी ईयर है वो ईयर चूज करना है, फिर यहाँ से मंथ, और इसके बाद में डेट, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि जो आपका रिजर्वेशन है अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी से बिलोंग करते तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी जानकारी आपने भरी इनको चेक कीजिए, और चेक करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी है वो आपकी पर्सनल डिटेल की आ चुकी है, जहाँ पर आपको पहले अपना फादर नेम फिलअप करना है, और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है, मैरिटल स्टेटस आपको अपना चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी फिलअप करनी है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है कि आप कौन सी स्टेट से हो, और फिर यहाँ पर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर नीचे यस कर दीजिए, नहीं तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप कर दीजिए। अब आपको ये जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है। तो आपने 10th कौन से बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम लिख दीजिए, कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आपके स्कूल का नाम क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बेसिकली आपको 10th में ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। इसके बाद दोस्तों मार्क्स परसेंटेज, आपकी सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के क्या परसेंटेज थी वो आपको यहां पर लिखनी है। परसेंटेज लिखने के बाद अगर आपने 12वीं भी किया तो आप 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भर सकते हैं। बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखिए, ईयर ऑफ पासिंग डालिए, अपने कॉलेज का नाम इंस्टीट्यूट नेम के अंदर डालिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताना है कि आपने 12वीं PCM से की थी, PCBSE की थी, आर्ट से की थी या फिर कॉमर्स से की थी, ये आपको इस तरह से बताना होगा। इसके बाद डू यू हैव थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर बेसिकली हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट यही होती है जो कि हम नॉर्मली लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, काइंडली सिलेक्ट वन अमोंग दी फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपको चूज करनी है जिस माध्यम से आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेना है कि इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आपका डिप्लोमा किया है उसका पूरा नाम देना होगा। मैंने शॉर्ट में लिखा है, बाद में मैं इसको फुल फॉर्म में के साथ लिख लूँगा। कौन से ईयर के अंदर पास है आपने पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपका इंस्टीट्यूट नेम है बेसिकली आपको अपने, अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से की है तो यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर अपने जो कॉलेज है उसका नाम ही एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज, यानी कि सभी सेमेस्टर और सभी ईयर को मिलाकर के आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आपको एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों अदर हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पर डिग्री का नाम लिख दीजिए, कौन से स्पेशलाइजेशन में आपने किया वो यहाँ पर डाल दीजिए, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर फिर सिलेक्ट कर लीजिए, अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख दीजिए और परसेंटेज यहाँ पर डाल दीजिए। ये सब जानकारी जो आपने भरी है इनको चेक कीजिए और नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने जानकारी आती है रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, आपके सिग्नेचर की, अपलोड योर मार्कशीट जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ के रूप में अपलोड करनी है उसके प्रूफ के रूप में, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, साथ ही सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपी ऑफ अप्रेंटिस एक्ट सर्टिफिकेट जो कि आपके पास होगा। अगर आपने ये नो किया है तो आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ब्राउज के ऊपर आपको क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका फोटो एंड सिग्नेचर है वो आपको एक एक करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। मैं आपको यहाँ पर एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ फोटो की। तो चलिए हम यहाँ से पिक्चर के ऊपर आते हैं और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यह देखिए आपका ये फोटो अपलोड हो चुका है। आपको इसको क्लोज करना है, फिर आपको सेम तरीके से ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर यहाँ सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है।
तो ये भी यहाँ पर आपका अपलोड हो चुका है। फिर आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आपको बोला है कि इसमें PDF, JPEG, JPG फॉर्मेट एक्सेप्ट किया जाएगा। फाइल का साइज 1 MB से कम ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको इस तरह से अपलोड कर देते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर इस कैप्चर कोड को डाल करके आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। और पूरी तरीके से श्योर करके आपको यहां पर ओके करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्राइवेसी नोटिस है, आपको यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर बोला है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज सबमिटेड एंड पेमेंट इज पेंडिंग, आपको यहां से क्लोज कर देना है। तो यहां पर दोस्तों मेक ऑनलाइन पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और आपको बोला जा रहा है कि काइंडली मेक पेमेंट एटलीस्ट 24 आवर्स आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एल्स द फीस विल नॉट गेट सबमिटेड। यानी कि अगर अभी आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपकी फीस सबमिट नहीं होगी, इसलिए फॉर्म को सबमिट करने के 24 घंटे के बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि फीस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम न आए। आपको यहां पर 24 घंटे के बाद क्लिक करके ऊपर क्लिक करना होगा, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको टिक करना होगा, फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर एप्लीकेशन फीस 2020 सिलेक्ट करना होगा, और जो आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है वो यहां पर आपको डालना होगा, और सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। अभी देख लीजिए एरर आपके सामने आ चुका है, इसका मतलब आपको 24 घंटे वेट करना होगा इस फीस को जमा करने के लिए। तो अगर आप चाहेंगे कि फीस कैसे जमा करनी है इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना होगा। अगर आपके सामने फीस को जमा करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके फीस को जमा करने की जानकारी दे दूंगा। तो यह था दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस UPRV UNL जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।